अब और आसान हुआ जयपुर का सफर। दिल्ली से जयपुर की दूरी हुई कम। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बहुप्रतीक्षित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का उद्घाटन किया। 1386 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का पहला खंड 286 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली दौसा लालसोट के बीच का यह खंड दिल्ली से जयपुर की यात्रा को आसान करेगा। इसके बनने के बाद दिल्ली से जयपुर का 5 घंटे का सफर महज 3.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को बहुप्रतीक्षित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का उद्घाटन किया। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसा वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है। 1386 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का पहला खंड 246 किलोमीटर लंबा रहा। दिल्ली दौसा लालसोट के बीच का यह खंड दिल्ली से जयपुर की यात्रा को आसान करेगा। इसके बनने के बाद दिल्ली से जयपुर का 5 घंटे का सफर महज 3.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद दिल्ली से मुंबई तक का सफर 24 घंटे से हटाकर 12 घंटे का हो जाएगा। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के बीच पड़ने वाले शहरों की दूरी भी अब आसान हो जाएगी। आइए इस एक्सप्रेसवे के बारे में जान लेते हैं, साथ ही जानते हैं कि इसको बनाने में कितनी लागत आई, इस एक्सप्रेसवे में क्या है खासियत, आम लोग कब तक इस्तेमाल कर सकेंगे, दिल्ली से मुंबई तक का निर्माण कब तक पूरा हो सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी गई थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड को 12,150 करोड़ से अधिक की लागत में बनाया जाएगा। इस खंड के चालू होने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक बड़ा बढ़ावा मिलने का भी दावा किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI टोल वसूली की तैयारी पूरी नहीं कर पाया है, इसलिए रविवार को उद्घाटन के बाद भी वाहन चालकों को सफर के लिए 15 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। NHAI के परियोजनाओं निदेशक मुतिगत ग्रग के अनुसार लोकार्पण के लिए तैयारी चल रही है। बड़े पैमाने पर टेंट लगाए जाएंगे, उसे उतारने के लिए समय चाहिए, इसीलिए लोकार्पण के बाद 15 से सफर शुरू किया जाएगा। तो आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा।